हेलो, आप देख रहे हैं तेज हरियाणा। प्लीज हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और देखते रहिए तेज हरियाणा। नमस्कार, तेज हरियाणा के मॉर्निंग बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 12 से 83 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव, तो ठीक होने वालों की संख्या पहुंची 1,28,841 पर। पिछले 24 घंटों में 20 से ज़्यादा लोगों की मौत। हरियाणा का रिकवरी रेट 90.86%। तो हरियाणा में 11,000 से ज़्यादा अभी भी हैं एक्टिव केस। वहीं पर राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के घर के बाहर पहचान के लिए लगाए जाने वाले लाल कलर का स्टिकर अब नहीं लगाया जाएगा। जिन मरीजों के घर भी यह लगाया हुआ है उसे भी हटा दिया जाएगा। इसे लेकर मुख्य सचिव विजय वर्धन का आदेश जारी होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर सूरजभान कंबोज ने सभी सिविल सर्जन को पत्र लिखकर ये आदेश जारी किए हैं। पंजाब में स्टिकर लगाए जाने पर पहले से ही रोक लगाई जा चुकी है। उधर हरियाणा में अब कोरोना के नए केसों की संख्या स्थिर हो गई है। पिछले एक सप्ताह से रोज नए मरीजों में 1100 से लेकर 1300 के बीच ही आंकड़े वो देखने को मिल रहे हैं। जहां पर बुधवार को बात करें तो यहां पर 1200 से ज़्यादा पॉजिटिव केस मिले, इनमें से 53% केवल सिर्फ 5 जिलों से मिले हैं। इनमें से गुरुग्राम में सबसे ज़्यादा 293, फरीदाबाद से 178, सोनीपत से 66, हिसार से 65 व अम्बाला से 56 केस मिले हैं। मगर राहत की बात यह है कि 13 जिलों में नए मरीजों का आंकड़ा 50 से कम रहा है। नूह में लंबे समय के बाद एक भी मरीज नहीं मिला है। अब संक्रमितों की कुल संख्या 1,37,639 पर पहुंच गई है। वहीं चिंता की बात यह है कि एक ही दिन में 23 मरीजों की मौत हो गई है। पंचकुला में सबसे ज़्यादा 5, हिसार में 3, फरीदाबाद में, पलवल, भिवानी, हिसार से 2-2, गुरुग्राम, नूह, यमुनानगर, सिरसा, कुरुक्षेत्र, रेवाड़ी, पानीपत से 1-1 मरीज की जान गई है। अब मृतकों की जो संख्या वो 1500 से पार हो गई है। वहीं पर 1555 लोग ठीक हुए हैं। अब तक 1,24,841 लोग ठीक होकर घर लौट चुके हैं। अब सक्रिय मरीज हरियाणा में 11,200 से ज़्यादा है। इनमें से 249 मरीजों की हालत गंभीर है, 222 की ऑक्सीजन पर, तो 27 वेंटिलेटर के सहारे हैं। पिछले 24 घंटों में 24,562 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। अब बात करते हैं कहां पर कितने मरीज मिले। गुरुग्राम से 293 मरीज मिले हैं, फरीदाबाद में 178, सोनीपत में 66, हिसार में 65, अम्बाला में 56, पंचकुला में 54, करनाल में 52, सिरसा में 51, रेवाड़ी में 49, महेंद्रगढ़ में 48, जींद में 45, रोहतक, भिवानी में 40, कुरुक्षेत्र, फतेहाबाद में 32, झज्जर में 29, पानीपत में 28, पलवल में 26, शिवनगर में 18, कैथल में 14, चरखी दादरी में 7 नए मरीज हैं वो सामने आए हैं। तो ये हरियाणा की रिपोर्ट हमने आपको बताई है। वहीं पर नूह से कोई भी केस है वो नहीं मिला है। ठीक होने वालों का जिक्र करें तो 160 लोग फरीदाबाद से ठीक हुए, गुरुग्राम से 282, सोनीपत से 59, 61 लोग रेवाड़ी से ठीक हुए, अम्बाला से 99, रोहतक से 70, पानीपत से 95, करनाल से 123, हिसार से 134, पलवल से 37, पंचकुला से 98, महेंद्रगढ़ से 25, झज्जर से 34, भिवानी से 41, कुरुक्षेत्र से 39, नूह से 7 लोग ठीक हुए, सिरसा से 2, यमुनानगर से 105, फतेहाबाद से 63, कैथल से 14 और चरखी दादरी से 7 लोग ठीक हुए हैं। रिकवरी रेट के मामले में 94% रिकवरी रेट फरीदाबाद का है, 95% सोनीपत का है, 91% रेवाड़ी का है, 94% अम्बाला का है, 91% करनाल का है, 95% पलवल का है, 90% पंचकुला का है, 90% झज्जर का, भिवानी का भी 90 है, कुरुक्षेत्र में 90% लोग ठीक हो रहे हैं, नूह में 90% हैं, यमुनानगर का 90% है और कैथल का 89% है, बाकी सब 80 और 88 के बीच में है। तो ये हरियाणा की स्थिति है। फिलहाल हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम एक्टिव केस इस वक्त 88 केस नूह में है और 112 मरीजों का इलाज पलवल में जारी है, 401 का इलाज महेंद्रगढ़ में जारी है, 165 का चरखी दादरी में, जींद में 275 का जारी है। तो ये हरियाणा की स्थिति बताई हमने आपको। फिलहाल कोविड पॉजिटिव रेट 6.55% है और रिकवरी रेट है वो 90.86% पर पहुंच गया। मामलों के दोगुने होने की अवधि 34 दिन पर पहुंची है। तो आप सभी से कोरोना से एहतियातन हम गुजारिश करते हैं। सोशल डिस्टेंस के साथ साथ चेहरे पर मास्क रखें, जब भी घर से बाहर निकलते हैं अपना मास्क अपने साथ रखें, क्योंकि यही जिम्मेवारी हम सब के लिए ज़रूरी है और कोरोना को हराने की जंग में सबसे बड़ी भागीदारी है, क्योंकि हारेगा कोरोना जीतेगा हरियाणा। रात की बात इन सब के लिए हमारे दर्शकों के लिए ये है कि अब रोजाना रिकवरी रेट में वृद्धि हो रही है, जितने लोग संक्रमित मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। ये ऐसा एक सप्ताह से उल्टा हो रहा है कि कम मरीज ठीक ज़्यादा हो रहे हैं। हम चाहते हैं ये गति और भी 100 गुना बढ़े ताकि मरीज मिलने बंद हो जाएं और जितने भी हरियाणा में अब संक्रमित हैं वो ठीक हो जाएं। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले
25 से 35 दिनों में हरियाणा में एक्टिव केस की संख्या 4000 से भी कम रह जाएगी। यानी कि अब छुट्टी कोरोना की होने वाली है, मगर हम सब की छुट्टी नियमों को तोड़ने वाली नहीं है। हमें नियमों की पालना पहले से भी ज्यादा करनी है। आइए मैं सुरक्षित मेरा परिवार सुरक्षित मुहिम को आगे बढ़ाते हुए पूरे परिवार का बच्चों का दोस्तों मित्रों का ख्याल रखें। नियम सुनियम, आप सब लोगों को यही मेरी गुजारिश है। आप बहुत धैर्य के साथ इस बुलेटिन को सुनते हैं, आप अपने सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दिया करें। जो दोस्त हौसला अफजाई करते हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस बुलेटिन को देने का मकसद आपको जागरूक करना है, डराना नहीं बल्कि अफवाहों से दूर रखना है। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आखिर में प्यारी से गुजारिश, अगर आपने YouTube पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका दिन शुभ रहे।